मेरे भाई, तो ये अपना एंटी स्पोर्ट का सीपीयू है, देख पा रहे हैं आप, कैबिनेट जिसमें हम असेंबल करेंगे एक नॉर्मल पीसी के थ्रू, ठीक है, जिसमें रहेगा i3 थर्ड जनरेशन प्लस बाकी जो सारी चीज़ें रहते हैं नॉर्मल वही रहेगा। हैवी ग्लास है, आप देख पा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हैवी आपको देखने में ही लग रहा होगा। इसको अपन साइड पे रखते हैं, यहाँ पे कुछ केबल दिया है, इसको अपन लास्ट में कनेक्ट करेंगे। उससे पहले अपन इसमें बैक का जो केबल मैनेजमेंट का सेक्शन है उसको खोल लेते हैं। ये असल में चीपेस्ट वे में जितनी चीपेस्ट हो सका है उतना हमने इसको असेंबल करने की कोशिश है। लगभग करीब 12,000 से 13,000 तक में ये सीपीयू आपको रेडी मिल जाएगा। अगर आपको भी इस टाइप से सीपीयू को असेंबल कराना है सस्ते दाम पे तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ठीक है। तो इसमें अपन को कुछ स्क्रू वगैरह दिए हैं, ये अपन को अभी आगे काम आएगा, ठीक है। इस कैबिनेट का मॉडल नंबर है एंटी स्पोर्ट ICE 100, जो एंटी स्पोर्ट का सबसे सस्ता मॉडल है वही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंपनी है, माना जाता है गेमिंग के मामले पे, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे आप सेक्शन देख पा रहे होंगे, ये हार्ड डिस्क लगाने का सेक्शन है। यहाँ पे 3 फैन दिए हुए हैं, सामने में एक फ़ैन बैक में दिया है, तीनों RGB फैन है, ठीक है। यहाँ पे एक 3.0 USB का है, दो एक 3.0 USB का, एक नॉर्मल USB का, एक HD ऑडियो का है, ठीक है। यहाँ पे मेरा भाई, ये नॉर्मल कैबिनेट था जिसमें ये असेंबल था, ठीक है। यहाँ से भाई ने जिस जो अपना बनवाने आया वो प्रोसेसर वगैरह निकाल दिया था, बाकी इसको निकालना नहीं चाहिए क्योंकि इसमें अगर थोड़ा सा भी कुछ कंकड़ वगैरह चला गया तो इसके जो पिन है वो टेढ़े हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है क्योंकि इसमें मदरबोर्ड ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, तो ठीक है। तो इसे आप नॉर्मल जैसा लगा वैसे फिट कर दे और मेरे पास ले आए, या फिर किसी ऐसे के पास जो बनाना इसको चाहता है, या फिर जिससे असेंबल आप करवाना चाह रहे हैं जिस पर आपको ज़्यादा भरोसा है तो वो आपको कर देगा, ठीक है। तो आपको कराना है तो इसमें केवल खर्चा लगेगा विंडोज़ का एंड जो भी गेम वगैरह आप डलवाना चाहते हैं नॉर्मल गेम वो लग जाएंगे अच्छे अच्छे, जैसे GTA 5 हो गए और भी जो छोटे मोटे गेम हैं वो सारे डाल के करीब अप्रोक्सीमेटली 500 के करीब लगेगा टोटल, और बाकी जो आपका सिस्टम रहेगा वो। और चीपेस्ट प्राइस में आपको सामान अगर ये नया चाहिए, आपको किसी पुराने सिस्टम से एक्सचेंज नहीं करवाना है, तो वो भी हो जाएगा, चीपेस्ट प्राइस में मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप मार्केट में लेने जाते हैं तो मैं हकीकत जो है आपको बता देना चाहता हूँ, मार्केट में आपको अगर आप इसको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो जो दुकान वाले लोग रहते हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा प्राइस बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको उतना ज़्यादा समझ में नहीं आता क्योंकि वो सामने वाला जो रहता है वो इतने सारे बेच के मतलब एक्सपर्ट हो जाता है कि वो आपको किसी बहुत अच्छी तरीके से समझा के पहना सकता है। इसीलिए किसी ऐसे के पास जाए जिससे आपका व्यवहार बहुत ही अच्छा हो, ठीक है। तो ये अपना मदरबोर्ड निकाल आया है, इसको सारे पिन वगैरह को पहले निकाल लिया अच्छे से। यहाँ अपन देख सकते हैं ये लगा रहे हैं i3 थर्ड जनरेशन प्रोसेसर है, ठीक है। यहाँ पे अपन ये इसको ऐसे लगाएं, ठीक है। ये अब इसे थ्रू इसी मदरबोर्ड में आपको अगर प्रोसेसर बढ़ाना है तो आप प्रोसेसर बढ़ा सकते हैं। अगर मेरे को लगता है इसमें आप i5 थर्ड जनरेशन सेकंड थर्ड जनरेशन, i7 सेकंड थर्ड जनरेशन, i9 थर्ड सेकंड थर्ड जनरेशन भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये मदरबोर्ड इसी के लिए H61 है, जो कि नॉर्मल गेमिंग के लिए आप अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसमें देख सक रहे हैं, हमने इसको कनेक्ट कर लिया मेरा भाई। वो तो प्रोसेसर के ऊपर अपन को ये फ़ैन लगाने के लिए सिंपली आपको इसको पहले ऐसे चेक कर लेना कितने में आता है, अपने को इतने में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इसका ट्रिगर है, ट्रिगर को अच्छे तरीके से पहले इसमें ऐसे फंसा ले, ठीक है। ट्रिगर को फंसाने के बाद इसको ऐसे छेदा में ऐसे डाल के धीरे धीरे ऐसे करके तीनों को ऐसे दबा ले, और आवाज़ आना ज़रूरी है। आवाज़ आएगा इसका मतलब ये परफेक्टली तरीके से फिट हो गया, ठीक है। वैसे ये सब नॉर्मल चीज़ तो आप जानते ही होंगे तो इसमें आपको बताने की ज़रूरत तो नहीं है। यहाँ पे देख पा रहे हैं अब ये ऐसे हुआ, ये ऐसे करके लग गया, ठीक है। तो ये अपना मदरबोर्ड हो गया रेडी। इसमें रैम लगाया 4 GB है समथिंग, सॉरी 8 GB रैम है, और इसमें i3 थर्ड जनरेशन प्रोसेसर है, फ़ैन है, और इसमें ये देख सकते हैं बाकी आसूस का मदरबोर्ड है। आसूस का मदरबोर्ड भी बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। तो इसको अपन ऐड करेंगे, इससे पहले ऐड करने से पहले हम यहाँ पर जो हार्ड डिस्क का प्लेस है, हार्ड डिस्क प्लेस को लगा देते हैं, ठीक है। तो हार्ड डिस्क को लगाने के लिए पहले अपन इसको उल्टा करते हैं, इसका स्क्रू खोलते हैं,
देखो मेरे भाई, यहाँ पे हार्ड डिस्क फंसाने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, ठीक है। मेरे को भी प्रॉब्लम आ रहा था, बट इसको मैंने देख लिया कैसे फंसाना है। तो देख पा रहे हैं, ये आप इस टाइप सॉकेट होगा, यहाँ पे ये वाली होगी, ये वाली को पहले ऊपर उठाना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर उठाने के बाद यहाँ पे उसके ऊपर में दो होल होंगे, होल को आपको ऊपर में रखना हो, हार्ड डिस्क को इस तरीके से रखना है, ये वाला साइड पे ऊपर पे रहेगा, ठीक है। ऐसे करके इसको लगा देना, और बाकी एक साइड से ऐसे सपोर्टिंग के लिए स्क्रू इधर लगा देना, बस ठीक है, फिट हो जाएगा ये। सेकंड साइड इस सपोर्टिंग के लिए बना दिया है, ठीक है। इसको अब इसको डायरेक्ट अपन सेट कर देते हैं इसके अंदर, ठीक है। मेरे भाई, हमने यहाँ पे हार्ड डिस्क फंसा लिया, ठीक है। हार्ड डिस्क फंसाने के लिए केबल मैनेजमेंट करनी पड़ेगी थोड़ी, उससे पहले अपन मदरबोर्ड पहले लगा लेते हैं, ठीक है। मदरबोर्ड लगाने के लिए आपको सिंपली करना ही है, जो इसका फर्स्ट तो जो साइड का पैनल रहता है, पैनल को अपन ले लेंगे। पैनल को लेने के बाद ये वाला जो शॉर्ट रहता है, इसको ऐसे नीचे रखेंगे, ठीक है। इसको नीचे रखेंगे इसको, और ये जो उठा हुआ पार्ट रहता है, इसको आगे साइड पर रखेंगे, इसको पीछे रखेंगे, ये वाला नीचे रखेंगे, ठीक है। ये पार्ट लगाने के बाद यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे हमने पैनल लगा दिया। पैनल लगाने के बाद ये देख पा रहे हैं आप, ये जो मदरबोर्ड है, ये मदरबोर्ड भी पूरे तरीके से कनेक्ट है, ठीक है। अच्छे तरीके से लगा हुआ है मदरबोर्ड, इसमें हमने थर्मल पेस्ट नहीं लगाया, क्योंकि अगर नॉर्मल आपका जो मदरबोर्ड काम कर रहा है तो हीट उतना ज़्यादा नहीं देता, तो उसमें मदर लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देख, गेमिंग कैबिनेट लगा रहे हैं तो, ठीक है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, सारे होल ये मिल गए, ठीक है आपको। अब अपन को इसमें काम ये करना है, सारे पे स्क्रू बस फंसाना है, ओके भाई। हमने यहाँ मदरबोर्ड को देख पा रहे हैं आप, ये सेटिंग कर दिया, ठीक है। सेटिंग करने के बाद इसको पहले SMPS लगाते हैं। SMPS लगाने के बाद अब यहाँ पे हम देखेंगे जो अपन का आगे का काम है, जैसे क्योंकि मदरबोर्ड को सारे वायर्स वगैरह देखने, तो वो दे दें अपन, ठीक है। कहीं पे भी आपको अगर प्रॉब्लम आता है देखने में या फिर समझने में, तो कमेंट में कर सकते हैं, अच्छी तरीके से बताऊंगा, नॉर्मल तरीके से। और सिंपली मैं इसलिए वीडियो इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बहुत ही सस्ते में और कम प्राइस रेंज में आपको एक अच्छा खासा सेटअप मिल सके, ठीक है। तो करीब लगभग ये आपको 15,000 तक में भी आप अगर CPU सेटअप करना चाह रहे हैं तो आपको मिल सकता है। तो 15,000 तक का बजट है आप, तो एक बार कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कुछ पूछने के लिए, नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो ही रहा होगा। और बाकी और कुछ भी जानकारी चाहिए तो मिल जाएगी आपको, कमेंट में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा। देख पा रहे हैं हम, हमारे पास SMPS है, ठीक है। नॉर्मल SMPS, नॉर्मल SMPS का क्या होता है, केबल थोड़ा छोटा रहता है। हमने जोर जबरदस्ती करके 24 वाला पिन तो अपन ने लगा दिया, बट ATX वाला नहीं लग रहा था, इसे हमने काट के थोड़ा तार को एक्स्ट्रा करके यहाँ पे से ATX पिन कनेक्ट किया, ठीक है। ATX पिन कनेक्ट करने के बाद आपको SMPS से जो साटा पावर की कनेक्शन, साटा पावर कनेक्शन हार्ड डिस्क में दे देनी है, और SSD अपन लगा लेते हैं पहले। देख पा रहे हैं हम मदरबोर्ड के साइड पे SSD फिट कर रहे हैं, ताकि क्या है, SSD थोड़ा दिखे तो मतलब थोड़ा इंप्रेशन ज़्यादा बढ़िया रहे, तो इसीलिए हमने SSD को मदरबोर्ड के जस्ट साइड पे फिट किया है, ठीक है। यहाँ पे और भी जगह थे SMPS के पास, बट अब हमने वहाँ कनेक्ट नहीं किया है, हार्ड डिस्क वहाँ लगा दिया, ताकि हार्ड डिस्क उतना बेटर मतलब नहीं रहता, मतलब दिखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए अपने SSD को सामने तरीके से करके लगाया है ये। अब यहाँ पे हमने साटा मिल गया, एक साटा कनेक्ट करेंगे अपन हार्ड डिस्क में, और दूसरा साटा कनेक्ट करेंगे अपना SSD में, ठीक है। ये दोनों कनेक्ट हो गया, अब करेंगे वायरिंग, ठीक है। वायरिंग करने के लिए आपको सबसे पहले ये दो साइड पे ऐसे रख लेना है, दोनों साइड से आपको देख लेना है कहाँ कहाँ वायरिंग लग रहा है। पहले साटा का यहाँ से लगेगा, तो यहाँ से अपन साटा के लिए डाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने साटा का पावर डाल दिया, ठीक है। साटा पावर डालने के बाद यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं कई सारा केबल मिल जा रहा होगा। केबल के लिए आप यहाँ से पहले तो यहाँ से मिला लें। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये फ्रंट पैनल का केबल है, ये HD ऑडियो केबल है, USB का केबल है, ठीक है। ये सारा केबल देखने के बाद आपको क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ से केबल निकालना है, ठीक है। आपको जहाँ जहाँ से सॉकेट मिल रहे हैं वहाँ से केबल को निकालना है। तो आपने HD वाला HD ऑडियो और साउंड का यहाँ से निकालेंगे SMPS के पीछे से, ठीक है। तो इसको पहले यहाँ से ऐसे अलग कर लेंगे, ये निकाल लिया, ठीक है। दो केबल को यहीं से निकाल लेते हैं पहले। ये सारा चीज़ मतलब कि जहाँ जहाँ से आपको कनेक्ट करना है, ऐसे ऐसे कनेक्ट करके आप कंटिन्यू बनाना, यहाँ से कनेक्ट करना है जो जो, ऐसे करके केबल को जल्दी जल्दी कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ऐसे कनेक्ट करने के बाद हम देखते हैं आगे और क्या प्रोसेस है। यहाँ से अब हमको फर्स्ट पैनल का चाहिए, फर्स्ट पैनल का देख पा रहे हैं आप, काफ़ी सारा केबल यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जैसे क्योंकि ये केबल मिल गया, ये केबल मिल गया, दो केबल मिल गया, तीन केबल मिल गया, मेरे को चार केबल मिल गया, ठीक है। चार केबल मिल गया, अब चारों केबल को हम फ्रंट पैनल के पास जो हल्का सा छोटा सा छेद है वहाँ से निकाल लेंगे। हाँ करो सर, देख पा रहे हैं अब हमको फ्रंट पैनल का कनेक्शन करना है, ठीक है। फ्रंट पैनल का कनेक्शन करने के लिए आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो ये पिन ऐसे रहती है, जो एक साइड पर पिन निकला रहेगा उसके अपोजिट वाला पिन जो रहेगा वो अपना रहेगा
पावर ऑन का पिन, ठीक है, पावर ऑन का पिन, और उसके जस्ट बगल वाला रीसेट का पिन रहेगा। तो पहले अपन पावर ऑन का पिन लगाते हैं तो आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा, ठीक है। ये स्विच पावर का देखता रहा है, पावर स्विच, ये वाला पिन पहले हमने इस साइड पे लगा दिया, ठीक है। क्लोज करके जूम से अच्छे से आप देख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि लोगों को इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आता है, ठीक है। हमने इसे पहले इसका कनेक्शन कर दिया, ठीक है। कनेक्शन करने के बाद उसके जस्ट अपोजिट में हमने रीसेट कर, जो रीसेट का स्विच है उसको लगाएंगे, ठीक है। ये आप दो तीन बार लगाते लगाते आपको प्रैक्टिस पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो रीसेट पावर स्विच के नीचे था HDD का LED स्क्रीन का LED लाइट का ये लगाना है, ठीक है। ये लगाएंगे तो आप देख पा रहे हैं अंदर साइड पे ये माइनस है, बाहर साइड पे प्लस है, ठीक है। ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे इसको लगा दिया आप LED आपको वही काम करेगा, ठीक है। आपको अंदर साइड पे माइनस रखना है, ठीक है। अंदर साइड पे माइनस, बाहर साइड पे प्लस, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम ऐसे डायरेक्ट कनेक्शन कर दिए, ठीक है। तो अब आप ये फ्रंट पैनल का अच्छे तरीके से पूरे सही तरीके से कनेक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ पे कोई अपन को अभी दिक्कत नहीं आया अभी तक। तो अपन को अब यहाँ पे का मतलब अपना ये जो सिस्टम का है सारा बाहर का कनेक्शन हो गया, ठीक है, पूरा हो गया। अब यहाँ पे अपन को देखते हैं पा रहे हैं यहाँ पे इस टाइप से केबल है, ठीक है। केबल काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन इसमें इसमें स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। जो इससे पहले मैं असेंबल किया था उसमें इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं थी, 3.7 का सॉरी, ये जो है 3.0 का USB है, बट इसमें सॉकेट नहीं दिया है, जिसकी वजह से हम इसे नहीं लगा रहे। आगे मदरबोर्ड अपन एक्सपेंड करेंगे तब उस टाइम पे ये सॉकेट अपन को देगा, ठीक है। यहाँ पे अपन पहले इसको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये जो है ये इसको कनेक्ट कर दिए। ये क्या है, चारों जो फ़ैन है, चारों फ़ैन के कनेक्शन है, ठीक है। ये चारों फ़ैन के कनेक्शन यहाँ से अपन इसको दे दिया, ठीक है। इसको हमने ऐसे कर दिया यहाँ पे, और ये जो पिन है ये सारा ऐसा दब जाएगा यहाँ पे। और भी अपन को बाहर में कुछ कनेक्शन नहीं करनी है, जो इतनी कनेक्शन करनी थी अपन ने कर दिया, ठीक है, अंदर पे। और यहाँ पे आपको डायरेक्ट पैनल लगाना है। ये अपन का रेडी हो गया। केवल और केवल मात्र हम मिनिमम बजट में जाए तो इसे बहुत ही सस्ते में, करीब 10,000 तक में इसको रेडी कर सकते हैं। ब्रांडेड CPU है, कैबिनेट है, जो कि हमें एंटीस्पोर्ट की तरफ से मिला है। एंटीस्पोर्ट का नाम आप खुद ही जानते हैं, कितनी बड़ी ब्रांड है। तो आप इसको असेंबल ज़रूर कराएं, क्योंकि काफ़ी अच्छा है, देखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है। इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, क्योंकि मैं काफ़ी यूज़ कर चुका हूं और लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में बता चुका हूं, और काफ़ी ज़्यादा मैं सेल भी कर चुका हूं, तो मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया है, ठीक है। यहाँ पर स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, तो गर्म होने के चांस बिल्कुल ख़त्म है। यहाँ पर 3 फ़ैन अपन को पीछे सामने मिलते हैं, 1 फ़ैन पीछे मिलता है, और ऊपर में 2 फ़ैन एक्स्ट्रा लगाने का जुगाड़ मिलता है। बट अपन को यहाँ पर केवल 4 ही फ़ैन दिए गए हैं, जो कि इस बजट में काफ़ी अच्छा जो है चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ अपन को और भी कोई डिस्टर्बेंस वगैरह तो नहीं लग रहा है, बट ये केबल जो ज़्यादा निकले तो हम इसे अंदर कर देते हैं, ठीक है। SSD यहाँ लगा है अपन का, ये देख पा रहे हैं आप, ये सिस्टम अपन का पूरा कंप्लीट है। अब इसमें नीचे चला कर देखेंगे, ठीक है। तो उससे पहले ग्लास पैनल को मैं लगा देता हूँ, ठीक है।